आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पर हमको अभी वहां पर चढ़ना है। जय माता दी, जय माता दी। आंटी क्या कह रही है कि बिहारी लोग की जो भाषा होती है ना उतनी अच्छी भी नहीं लगती है, लेकिन हमारी भाषा इनको अच्छी लग रही है। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं अंजनी देवी पहाड़ पर और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी खाई है भाई। पहली बार दृश्य ऐसा देख रहे हैं हम। वो मंदिर आप जो सामने हमारे देख रहे हैं वो है चंडी देवी। यहाँ पे ढलाव इतनी है कि दौड़ना पड़ रहा है, रुकिए नहीं रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देखा होगा मनसा देवी पर मैं गया था नाना के साथ, और आज भी मैं नाना के साथ जा रहा हूँ चंडी देवी पर। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था मैं जल्द से आप लोगों को वीडियो लेकर आऊँगा चंडी देवी की। तो दोस्तों अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोई नहीं है, लेकिन मेरे साथ नाना है और नाना काफ़ी आगे निकल गए हैं। मेरे साथ भैया आए थे, भैया ले जाकर उनको आगे छोड़ दिए, लेकिन हम शॉर्टकट रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीका से आप लोग को चढ़ा हुआ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा भाई, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है मेन रास्ता, ये देख सकते हैं भाई हमको किस रास्ते से होते हुए जाना है। और भाई पैर पिछला तो हम लोग को कितना पड़ जाएगा। ये जो आप तस्वीरें हमारी देख रही हैं ये है चंडी देवी की, और ये शॉर्टकट रास्ता है भाई। थोड़ी सी मुश्किल है पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसी रास्ता से सीधे आए हैं। तो यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है भाई, अब किधर जाना है। तो इधर से हमको जाना है अभी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पर हमको अभी वहाँ पे चढ़ना है। चलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और थोड़ी सी ऊंचाई है, यहाँ पे हमको जाना है। चलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अबे भाई गिरेंगे तो देखो भाई कहाँ सीधे जाएंगे। और मेरा पैर देखो, ये देखो भाई, बस अब थोड़ी दूर रह गई है। ओ भाई चढ़ गए। तो दोस्तों ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इसी के रास्ते के माध्यम से हम यहाँ तक आए हैं। देख सकते हैं कुछ नज़ारा आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, सामने उधर मनसा देवी और कुछ पहाड़ी इलाका आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इधर। तो दोस्तों और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो इस पहाड़ पर भी आप लोगों को मनसा देखने को मिल जाएंगी। लोग एक के ऊपर पत्थर रखे हुए आप लोगों को दिख जाएंगे, एक दो तीन चार, एक चार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मनसा देवी पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है और आप चढ़ सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को चढ़ना हो चंडी देवी पर आओ भाई, मज़ा आ जाता है एकदम से। अब ये जो एरिया आ गई तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन फिर से आगे से हम लोगों को चढ़ाई देखने को मिल जाएगी। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं बिजली की तारें गई हुई हैं, ये लगभग लगभग 25,000 वोल्ट तक का है भाई। अभी हम लोगों को ना उस पहाड़ी पर जाना है, आप लोग सामने देख रहे होंगे। तो अभी बज रहा है 12 और यहाँ पर ना लोग उतने दिखाई आपको नहीं दे रहे होंगे, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे नाना कहाँ है भाई, नाना चले गए हैं, भैया छोड़ के चले आए हैं उनको। तो यहाँ पे देखो भाई कितनी खाई आपको देखने को मिल जाएगी, पूरा तरीके से पूरा खाई है। आप लोगों को जहाँ तक नजर जाए इसमें पूरा पूरा खाई ही है। लेकिन अब यहाँ से शुरुआत होगी चढ़ाव की, पूरे देश से लोग घूमने के लिए आते हैं। एंड अभी देख सकते हैं हम बगल से गुजर रहे हैं, पूरे तरह से खाई आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ओबे ये देख सकते हैं भाई कितनी खाई है, पूरे तरीके से पसीना आना शुरू हो गया भाई। इधर भी आप लोगों को दिखा दें, इधर भी पूरा पूरा खाई है। देखो ये देखो भाई पूरा खाई है, पूरा खाई है देखो। तो एक बार से फिर से हम लोग का शॉर्टकट रास्ता देखने को मिल जाएगा। तो आप सामने देख रहे होंगे इसी रास्ते से सीधे ऊपर की तरफ चढ़ना है। तो ये देख सकते हैं ये भी एक शॉर्टकट रास्ता है जाने के लिए ऊपर। इधर से देख सकते हैं लोग गिर जाएंगे, इधर से चलते हैं। तो ये रास्ता हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। ये देखो किस तरह से है भाई, ये देखो गिरेगा तो कोई भी चला जाएगा नीचे। ये देखो किस तरीके से है, ओह भाई गिरेगा तो अभी गेंद बन जाएंगे, फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ये देखो आ गए यहाँ पे। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं, अब थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं लोग आते हुए इसी रास्ते से देख जाएंगे जिस रास्ते से हम अभी आ रहे थे। तो ये देखो भाई किस तरह से चढ़ रहे हैं, डर लगाने में उधर से डर नहीं लगाना, थोड़ी सी रिक्स है आने में, हिम्मत होनी चाहिए। ये लोग भी अभी अभी उसी रास्ते से आ रहे थे, मज़ा आया चढ़ के। जिस रास्ते से हम आए ना उसी रास्ते से ये भी लोग आ रहे हैं। तो और भी हम लोगों को चढ़ना है, अभी यहाँ से पूरी पूरी से खड़ी चढ़ाई है। हम लोग ना शॉर्टकट रास्ते होके आ रहे हैं, तो देख सकते हैं नाना यहीं पे हैं और भी लोग हैं जो चंडी देवी पर चढ़ाई करते हुए दिख जाएंगे। तो चलो यहाँ से फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। और भाई प्यास इतनी ज़बरदस्त लग गई है, आप लोग पूछो नहीं। तो आप लोग कहाँ से हैं, चौहान जिला? हाँ। ओके, इसी इसी राज्य में? हाँ। तो ये लोग भी ना उत्तराखंड से हैं,
हम लोग ना ऐसे बिहार से हैं, सिवान जिले से। हाँ, तुम बिहार से लग रहे हो। हाँ, लग रहे हैं। हाँ, अरे वाह, देखो देख करके भी लोग पहचान जाते हैं कि बिहार से हैं। बोली में वो हमारे यहाँ पे भी रहते हैं। अच्छा, तो हम लोगों को बोली में थोड़ी सी भोजपुरी मिलावट रहती है। हाँ, तो वो लोग पहचान जाते हैं। हाँ, वैसे तो यहाँ पर ना लिफ्ट वगैरह भी है, तो लिफ्ट से भी आदमी आ सकता है, तो इसलिए ना वहाँ पर 150-300 के करीब करीब आप लोगों को टिकट मिलती है। पूरे अंदर से पसीने से भींग चुके हैं। सामने आप लोगों को देख रहा है ना, वो डैम है जहाँ से पानी का कंट्रोल किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं उसको, जो कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे। वहाँ पे भी आप चढ़ी हैं इस पर? कब? पहली बार में थक गई है। आप कितनी बार चढ़ी हैं? पहली बार तो देख सकते हैं, ये भी पहली बार चढ़ी है। हम दूसरी बार चढ़ रहे हैं यहाँ पे। जब छोटे थे ना, 7 साल के, तब हम एक बार आए हुए थे, तो उस समय तो नाना या माँ कभी गोद में उठा करके लेके चली जाती थी। भाई जो उनकी भाषा इतने, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जितने बढ़िया भी ना, और बोली भी उनकी अच्छी ना लगती, इतना बढ़िया लग रही है। देखो देखो आंटी क्या कह रही है कि बिहारी लोग के जो भाषा होती है ना, उतनी अच्छी भी नहीं लगती है। हाँ, लेकिन हमारी भाषा इनको अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रही है। समझ में भी आ रही है। ओके, बोला बताऊ में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ इधर के लोग मिल गए चढ़ते वक्त में। नाना बगल में देख सकते हैं, नाना को पूछते हैं हैरानी तो नहीं हुई रही है। आप वहाँ पे गई हैं कभी मनसा देवी? वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एकदम खड़ी खड़ी चढ़ाइए। यहाँ पे दो पहाड़ों को छोड़ करके आपको चढ़ना पड़ता है, ठीक है? हाँ हाँ, ऐसे ऐसे बनी हुई देख रही है। तो वहाँ पे ना आसान है चढ़ना, लेकिन इस पर भाई बहुत मुश्किल है चढ़ना। हाँ, ऊंचाई बहुत है। चलो, अब ज्यादा दूर नहीं रह गया, बस कुछ ही दूरी पर हम लोग को अब दिख रहा है। हल्का हल्का सुकून आया कि भाई चलो दिख गया है कि भाई पहाड़ पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, उससे इससे भी बढ़िया जिम आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। मजा आ जा रहा है भाई। आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा, वहीं पे हम लोग को अभी जाना है, इसी रास्ते के माध्यम से। और भी लोग आए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोग चढ़ाई अभी कर ही रहे हैं। तो चलो, और सामने आपको वहाँ से जाते हुए लिफ्ट कटना है उधर से। मनसा देवी पर नाना चढ़े, एक दिन दो दिन आराम किए, आज चंडी देवी पर चढ़े हैं। आज देखते हैं कितनी दिनों तक ये आराम करते हैं। पहले ना ये छत तक नहीं चढ़ पाते थे, आज देखो मनसा देवी और चंडी देवी दोनों जगह चढ़ गए ये। तो दोस्तों, आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है पूरा हरिद्वार का सीन, आप लोगों को यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं सामने आप लोगों को जो पुल दिख रहा है, ये है ललतारो पुल। और ठीक सामने आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, कुछ खेती साइड में यहाँ पे की जाती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ओम बना हुआ आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हरिद्वार कुछ इस तरह से पहाड़ों पर से दिखता है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो रास्ता है शॉर्टकट होते हुए नीचे की तरफ यहाँ चला जाता है। इस चंडी देवी पर देख सकते हैं कुछ घरे बने हुए आप लोगों को यहाँ पर से दिख जाएंगे। एंड ये देख सकते हो भाई घर वगैरह। देवी पर सब कोई को चढ़ना आसान बात नहीं है, मनसा देवी पर भाई कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर चढ़ने वालों को एक योद्धा माना जाएगा। आप लोगों को कुछ सामान वगैरह खरीदना होगा ना, तो यहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। बगल में तो यहाँ पर जूता वगैरह आप लोग खोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी सारे लोग आए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे सामान वगैरह मिलती है, और यहाँ से भी आप सामान वगैरह खरीद सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं और भी सारे दुकानें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये बगल आप लोग कुछ नज़ारे आप लोग दिखा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अंजनी देवी, उसके बाद से जाएंगे चंडी देवी। तो आप लोग सामने देख रहा होगा, थोड़ा सा चढ़ाई करके आप लोगों को अंजनी देवी पर जाना होगा। तो चलो, हम लोग वहाँ पर चल करके फिर से चंडी देवी पर जाएंगे। ये जो आप घर देख रहे हैं ना, ये है आप लोगों का उड़न खटोला का रास्ता, यहीं पर आ करके ख़त्म होती है, और यहीं से आप लोगों को अंदर प्रवेश मिलेगी बाहर नीचे जाने के लिए। दर्शन वगैरह करके फिर चंडी देवी पर जाएंगे हम लोग दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं अंजनी देवी पहाड़ पर, और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी खाई है भाई। हमको तो भाई देख करके एकदम से मज़ा आ गया, पहली बार दृश्य ऐसा देख रहे हैं हम। वाह, दिल खुश हो जाता है। हाँ भाई, पूरा तरह से आप लोग देख सकते हैं पूरा हरिद्वार का सीन आप लोगों को यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ये पूरा हरिद्वार का है भाई। तो हम लोग यहाँ पर जूता खोल करके यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लिए, भैया यहीं पर थे। तो चलो, हम लोग अंदर चलते हैं, और आप लोगों को खाना वगैरह खाना होना तो पीछे देख सकते हैं, कुछ भी चीज़ खाना हो तो यहाँ पे खा सकते हैं। तो ये है गर्भगृह, अभी हम लोग जा रहे हैं माता अंजनी की पूजा करने के लिए, और यही भैया बताएं कि यही चीज़ चढ़ता है। तो हम लोग चलते हैं, जय माता। यहाँ पर भी फ़ोटो खींचना वगैरह मना है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। जय बाबा की, नमस्कार। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर ना वीडियो वगैरह बनाना एकदम से मना है, फिर भी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ वगैरह उतनी नहीं है, फोटो शूटिंग चल रही है यहाँ पर। लोगों को जैसे जिस तरह से चाहिए उस तरह से ये पकड़ कर सकते हैं, या बाबू लोग को देख सकते हैं यहाँ पे किए हुए हैं। हेलो, तो
तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को कपड़ा मिलता है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और पहन करके आप लोग तस्वीरें वगैरह ले सकते हैं। हम लोग पीछे से गए और उस तरह से हम लोग प्रसाद चढ़ा करके फिर से चले आए हैं और थोड़ी दूर आगे जा करके आप लोगों को भद्रकाली मंदिर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भद्रकाली मंदिर है। इस एरिया पे अभी हम चल रहे हैं ना, कभी कभी इतना भीड़ हो जाता है कि धक्का मुक्की होती है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं संतोषी माता का आप लोग देख सकते हैं। अंजनी देवी पर हम लोग ना पूजा करके अभी हम लोग जा रहे हैं चंडी देवी पर। छोटे छोटे लंगूर आपको यहाँ पे बगल में देखने को मिल जाएंगे। ओबे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, डरा दिया मेरे को। इन लोगों को चढ़ाना नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं कि इस एरिया पर कुछ भी भीड़ नहीं है, परंतु जब सीजन आती है, जब मेला यहाँ लगती है, तो यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि आप पूछ नहीं सकते हैं। कुछ नज़ारे आप लोग इस बगल से भी देख सकते हैं और कुछ लोग आते हुए भी इधर से दिख जाएंगे आप लोगों को। आप हमारे ठीक सामने जो दिख रहा है वो है उड़न खटोला का एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पर कुछ लोग आपको दिखने को मिल जाएंगे। वो मंदिर आप जो सामने हमारे देख रहे हैं वो है चंडी देवी। इसी के रास्ते के माध्यम से हम लोगों को वहाँ तक जाना है। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ का माहौल है और आप लोग जो भी ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग इस रास्ते से आए थे और इधर सीधे की तरफ जाएंगे, तो इधर ही कहीं हम लोग जूता चप्पल खोल लेंगे। तो चलो खुलाने के लिए इतना परेशान कर देते हैं कि मेरे दुकान के पास ही आप लोग जूता खोल दो और यहीं से सामान लेकर जाओ। एक बार जूता खोल दिए तो सामान खरीदना अनिवार्य है, सामान आपको पकड़ा देंगे वो लोग। तो कोई नहीं, तो जूता हम यहीं पे फंसा करके जा रहे हैं, आएंगे तो यहीं से लेंगे। जूता अभी खोल दियो, आप तो चप्पल पहने हुए ना। तो यहाँ से प्रसाद लेकर के फिर से चलते हैं। ये देखो, तो देख सकते हैं हम प्रसाद लेकर के जा रहे हैं, इसमें सारा चीज़ इसी में अवेलेबल है। तो चलो तो कोई नहीं, अभी हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से ना प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है कि ज़्यादा यहाँ पे भीड़ वगैरह ना हो। एंड आइए, नाना पीछे छूट जा रहे हैं बार बार से। तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आप लोगों को नज़ारा दिखने को मिल रहा होगा। भाई यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है ना, आप लोग पूछ नहीं सकते हैं। मैं बताऊँ तो क्या बताऊँ, ये देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। अब हम लोग चलते हैं अंदर, फिर से यहाँ पर ना रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, वीडियो बनाना एकदम से बिल्कुल मना है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अभी खाली ही खाली है। हमको तो भाई मज़ा आ गया देख करके, यानी कि दर्शन भी हो जा रहे हैं तुरंत से तुरंत और भीड़ भी नहीं है उतना। और ना मंगल द्वार से होते हुए अंदर की तरफ प्रवेश करना है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और ये रहा कुछ इस तरह से दृश्य, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और सीधे इसी रास्ते से सीधा हम लोगों का अंदर प्रवेश करना है। अंदर थोड़ी सी भीड़ है। चंडी मैया की, चंडी मैया की। आप देख सकते हैं किस तरह से आप लोगों को वीडियो देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ का जो कर्मचारी है उन्होंने मना कर दिया वीडियो बनाने से। अरे फोटो लेना मना कर रहे हैं ना वो लोग। फोटो वहाँ पे खींचना और वीडियो बनाना भी एकदम सख्त मना था। वहाँ पे हमने कुछ बनाया भी नहीं, बस थोड़ा सा दिखाया। तो भाई यहाँ पर हम कुछ दिखा नहीं सकते, सॉरी। तो यहाँ से हम लोगों को अब नीचे की तरफ जाना है। ये देख सकते हैं कितनी खाई है भाई। भाई अब हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से नज़ारे हैं। मैं देखो फोटो खींचना सख्त मना है, वीडियो बनाना भी सख्त मना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चाहिए तो यहाँ से भी हम लोग सामान वगैरह खरीद सकते हैं। एंड अभी हम लोग यहाँ से खरीदेंगे नहीं, जहाँ से जूता वगैरह हम लोग लेकर के फिर से हम लोग आपसे बात करते हैं। और ये देख सकते हैं वहाँ से माता का चंडी देवी यहाँ से प्रवेश करते हुए, और इधर बाहर एग्जिट पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी सामान वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिकते हुए दिख जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ से जूता रखे थे वहाँ जूता लेने के लिए। तो इसी गेट से हम लोग प्रवेश किए थे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बाघ वाला जो गेट है, इधर से होते हुए हम लोग गोल घूमते हुए इधर आ गए हैं एंड यहीं पे हम लोग जूता वगैरह रखे थे। तो चलो यहाँ से जूता लेते हैं। इधर से एग्जिट पॉइंट था, हम लोग माता का दर्शन करके इधर से आए और इधर से हम लोग पहाड़ के पर चढ़े। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, इसी रास्ते से होते हुए माता का दर्शन हो गए थे। और यहाँ पे 2 बज गया है पूरा, हम लोग 12 बजे के करीब आए थे, 2 घंटा लग गया यहाँ पे। यहाँ से आप लोगों को 2 रास्ते देखने को मिलेंगे, एक रास्ते वो उस साइड में ले जाकर उतार देंगे और दूसरे रास्ते हम लोग जहाँ से प्रवेश किए थे वहाँ जो काली मंदिर है वहाँ पर हम लोग ले जाकर के ये रास्ता छोड़ेगा और इस रास्ते से ले जाकर के दूसरे रास्ते की तरफ चले जाएगा। तो हम लोग इस रास्ते को प्रवेश कर रहे हैं, इस रास्ते को छोड़ रहे हैं, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं जो कि माता का दर्शन करके जा रहे हैं नीचे।
चढ़ते वक्त में हम लोगों को थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है, लेकिन उतरते वक्त में ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से धकेल रहा है ऐसे। तो ये बगल में जो आप रास्ते देख रहे हैं ये होते हुए दूसरी तरफ उतर जाएंगे, और ये जो रास्ते आप लोग देख रहे हैं सीधा महाकाली मंदिर पर आप लोगों को जाकर के ये रास्ता खत्म होती है। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, नाना की तरह जितने भी लोग हैं अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिले। भाई नाना को देख सकते हैं इस उम्र में, बताओ भाई नाना चढ़ जा रहे हैं मनसा देवी और चंडी देवी पर। भाई मनसा देवी तो थोड़ा इससे छोटी है, और लेकिन ये जो पहाड़ है यानी कि जो चंडी देवी की जो पहाड़ है भाई बहुत ऊंचा है, एंड उससे भी ऊंचा है। और खड़ी चढ़ाई खड़ी उतरान आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग सामने से ही अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है, एंड यहाँ से देख सकते हैं मुड़ान है, और यहाँ से मुड़ते हुए हम लोगों को उधर साइड में जाना है। ये भी शॉर्टकट रास्ता है ऊपर जाने के लिए, वो सामने आप लोग दिख रहा है ना, वहाँ से एक रास्ता गया है जो कि रास्ता मैंने वहाँ पर दिखाया, और इस तरह से देख सकते हैं भाई। ये देखो, ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है, आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। भाई यहाँ पे ढलाव इतनी है कि दौड़ना पड़ रहा है, रुकिए नहीं रहे। अरे भाई, तो रास्ते में उतरते वक्त हमको ये चीज़ दिखने को मिल गया, फिर से हम यहीं पे बना रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं 5 तल्ला तो बना कर ही जाऊँगा यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक 2 3 4 5 मंजिला को रेडी कर दिया है, भी इधर बनाने लगे। देखा देखी बनाऊँगा ये पता है क्या है, हाँ ब्लॉग है ये, पता है क्या है, ये घर बना रहे हो तुम, तुम्हारी ये मंशा है कि हमारे घर 5 तल्ला बन जाए। अरे भैया वो बना करके गए हुए हो तुम, उसे उठा रहे हो। तो देखो ये भी घर बना के गए हुए हैं, ये भी घर बना के गए हुए हैं, जल्दी बनाओ। अब बना भी दिए, वाह। ये देखो भाई, ब्लॉक में आएगा। हाँ एकदम जरूर। आप यहाँ पे देखो बच्चे भी बना रहे हैं, अरे किसी और का नहीं तोड़ो भाई, इसने भी देखो 5 तले बना दिए, और इसने तो 6ठे तले बना रखे हैं भाई। ये देखो हमसे भी ज़्यादा निकल गया, देखो मैंने 5 बनाया था, 7वां मंजिल, वो 3 4 5 6 8 मंजिल है वो, एक और रख रहा है वो, मंजिल बना दिया। खैर ये लोगों ने 5 बनाए, आप कितने बनाए? मैंने बनाया, तो मेरा बस तोड़ना नहीं, चलो बाय। छोटे बच्चे भी मिल गए थे, उन्होंने मेरे जैसे घर भी बनाया उन्होंने, चलो कोई नहीं, उन लोगों से मिलकर के काफ़ी मज़ा आ गया। लोगों को मनसा है ना कि वो पत्थर रखने से ऐसे घर बनता है, तो हम भी क्यों पीछे रहें भाई। एक के ऊपर मैंने भी 5 तल्ले सजा दिए, आप भी आओ तो ज़रूर से बनाना, भूलना नहीं, कहीं भी पत्थर मिले आप लोग बनाना शुरू कर देना बस। कहीं पे चढ़ाई है तो कहीं पे ढलान है, कभी कुछ है कभी कुछ है। ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं ना ठीक ऊपर से दिखाई दे रही थी, वहाँ से आप लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। बताओ 75 साल की उम्र में नाना इस जगह पे चढ़ जा रहे हैं भाई, इनके उम्र के लोग हमको अभी तक भी देखने को नहीं मिला, ना ही मनसा देवी पर देखने को मिला, ना ही चंडी देवी पर देखने को मिला भाई। तो नाना के लिए तो लाइक तो बनता है। अभी हम लोग वहाँ से आ रहे हैं ऐसे होते हुए, तो ये देखो भाई यहाँ से आप लोगों को कितनी गहराई आप लोगों को देखने को मिल जा रही होगी। तो मेरे पीछे देख रहे होंगे कितनी सारी पहाड़े आप लोगों को दिख रही होंगी, तो हम ना यहीं से प्रवेश करते हुए यानी कि इसी रास्ते से हम लोग यहाँ से सामने से गए हुए थे, आप लोगों ने शुरुआत में देखे होंगे। पूरा घुटना में भी जोड़ पड़ रहा है ऊपर से उतरते वक्त, अगर हम लोग कंट्रोल अब छोड़े ना तो दौड़ना शुरू हो जाएगा। देखो कंट्रोल में अपना छोड़ रहा हूँ, देखो ये अपना कंट्रोल छोड़ने के बाद से यही हाल होता है, तो इसलिए इस पर दबाव देना पड़ रहा है कि भाई रोक के चलते हैं धीरे धीरे से। अब ज़्यादा चढ़ाव नहीं है, बस इसके बाद से ख़त्म हो जाएगी थोड़ी सी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बगल में नज़ारे, एंड ये जो मौसम है भाई बहुत मज़ा वाला मौसम है, और आसानी से आप आएंगे ना तो यहाँ पे दर्शन हो जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखने को फ्लैट रास्ता देखने को मिल जाएगा, कहीं तरह से यहाँ पे चढ़ाव उतराव नहीं है, कुछ दूर जाने के बाद से आप लोगों को चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए भाई क्षमता चाहिए, ताकत चाहिए, हम लोगों के जैसे आदमी की हालत ख़राब हो जाती है तो नाना की जैसे लोगों को क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी से। पूरा घुटने में दर्द हो चुका है, आपका हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है समझ लो। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग जरूर से कमेंट में बताइएगा, और किस तरह से आपको वीडियो चाहिए वो सब भी कमेंट में आप लोग जरूर से लिखिएगा। अगर आप लोग अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो जरूर से आप लोग मनसा देवी और चंडी देवी पर चढ़ाई करके ही जाएं यहां से। इस वीडियो में कुछ गलतियां हुई हों या कुछ छोड़ दी हों तो उसके लिए भाई सॉरी। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों को लाता रहता हूँ, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।